नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे कि सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर्म अ वेक्टर स्पेस, यानी जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे यू से वी पे, अगर उन सबको हम कलेक्ट करें तो उनका जो कलेक्शन आएगा वो वेक्टर स्पेस बनाएगा, ठीक है। और आज हम उसको वेक्टर स्पेस प्रूफ करेंगे। तो पहले इसको हम प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एज अ वेक्टर्स। इफ यू एंड वी आर टू वेक्टर स्पेस ओवर सेम फील्ड एफ, देन सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम यू टू वी फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस डिनोटेड बाई एल यू वी और होमोजीनियस यू वी। ये होमोजीनियस नहीं, होमोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम यू टू वी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम होमोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, जिस तरह से हमारा यह वेक्टर एडिशन डिफाइन है, टी वन प्लस टी टू, इसके ऊपर अगर हम एल्फा लें तो ये आएगा टी वन एल्फा प्लस टी टू एल्फा। एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज सी टी एल्फा इज इक्वल्स टू सी टी एल्फा फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू यू। वेक्टर एडिशन डिफाइन है हमारा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिफाइन है, तो अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये हमारा वेक्टर स्पेस बना लेता है। अब वेक्टर स्पेस के लिए सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में ये अबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है। तो पहले हम इसको अबेलियन ग्रुप प्रूफ कर लेते हैं। तो पहले हमें अबेलियन ग्रुप के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें एसोसिएटिविटी प्रूफ करना पड़ता है। तो हमने तीन वेक्टर ले लिए, टी वन टी टू टी थ्री, किसमें लिए, होमोमॉर्फिज्म यू टू वी। टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री, इस तरह से हमने पहले टी वन और टी टू को ऑपरेट किया एक साथ, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा लिया, ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे जिस तरह से ये हमारा एडिशन डिफाइन है इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने इसको लिखा है, तो यहाँ पे टी वन प्लस टी टू एल्फा टी थ्री एल्फा, और यहाँ पे ये अंदर चला जाएगा जिस तरह से हमने यहाँ पे एडिशन डिफाइन किया है। तो ये हो जाएगा टी वन एल्फा प्लस टी टू एल्फा प्लस टी थ्री एल्फा। अब यहाँ पे देखो, टी वन एल्फा टी टू एल्फा टी थ्री एल्फा, ये सारे वेक्टर कहाँ के हैं, चूंकि हम जानते हैं कि टी हमारा कहाँ से कहाँ है, जितने भी टी आई हैं वो हमारे सारे कहाँ से कहाँ हैं, टी आई जो होंगे वो हमारे होंगे यू से वी में, और टी आई एल्फा हमारा जो है वो वी में बिलोंग करेगा। और वी क्या है हमारा, वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस है तो ये एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाता होगा। तो यहाँ पे हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, इनके एलिमेंट्स हैं ना, तो इसलिए हम यहाँ से एसोसिएटिविटी लेंगे। तो यहाँ पे टी वन एल्फा प्लस टी टू एल्फा प्लस टी थ्री एल्फा था, तो हमने पहले इस पे ब्रैकेट लगाया और हमने एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल किया वेक्टर स्पेस वी का। तो ये हो जाएगा टी वन एल्फा प्लस टी टू एल्फा प्लस टी थ्री एल्फा। अब हम रिवर्स चले जाएंगे, तो यहाँ पे जिस तरह से ये वेक्टर एडिशन डिफाइन है उसको हमने इस तरह से लिख लिया, टू टी टू प्लस टी थ्री एल्फा टी वन एल्फा, और इसको हमने लिख लिया टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री, यहाँ पर टी टू और टी थ्री पे हमने ब्रैकेट लगा दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी की। ग्रुप में क्या होता है, पहले हमें एसोसिएटिविटी दिखानी पड़ती है, फिर आइडेंटिटी, उसके बाद में इनवर्स। आइडेंटिटी के बाद हम इनवर्स दिखाते हैं, इनवर्स के बाद में हम कम्यूटेटिविटी दिखा लेते हैं कि दोनों अबेलियन होंगे, तो अबेलियन दिखा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक वेक्टर लिया ई जो कि होमोजीनियस यू टू वी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ई हमारा मैप होगा यू से वी पे। एन एडिटिव आइडेंटिटी, तो हमने इसको ई को जो है एडिटिव आइडेंटिटी मान लिया। और एडिटिव आइडेंटिटी का क्या काम होता है कि जैसे एक्स प्लस ई, अगर ई एडिटिव आइडेंटिटी है तो ये क्या देगा, एक्स देगा। अब चूंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में लेफ्ट राइट जो है ये चूंकि कॉम्यूटेटिव होता है, तो यहाँ पे हम एक तरफ लेकर प्रूफ कर सकते हैं, या तो हम इसको लेकर प्रूफ कर दें या फिर हम इसको लेकर प्रूफ कर दें, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम इसको दोनों को दिखाएं कि ई एक्स प्लस ई एक्स के इक्वल होगा तब हम ई की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे हम एक तरफ लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे हमने ले लिया टी प्लस ई एल्फा टी एल्फा, और यहाँ पे जो है एडिशन जिस तरह से डिफाइन है तो ये क्या हो जाएगा, टी एल्फा प्लस ई एल्फा इज इक्वल्स टू टी एल्फा। और टी एल्फा ई एल्फा जो है ये हमारे कहाँ से हैं, वेक्टर स्पेस वी के होंगे, और वेक्टर स्पेस में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। तो यहाँ पे ये टी एल्फा से टी एल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ई एल्फा इज इक्वल्स टू जीरो। ई एल्फा इज इक्वल्स टू जीरो चूंकि फॉर ऑल एल्फा के लिए है, तो इसी को हम बोल देते हैं कि ये जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर का क्या, जीरो फंक्शन का जो है वो क्या रोल होता है कि वो हर एक एलिमेंट को जो है वो जीरो पे भेज देता है। तो यहाँ पे ई जो है हमने मान लिया इसको एडिटिव आइडेंटिटी, और इसको हमने मान लिया जीरो बार, यहाँ पे बार इसलिए लगाया चूंकि ये
जीरो फंक्शन है, कोई जीरो रियल नंबर वाला जीरो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये हम एडिटिव आइडेंटिटी ढूंढ सकते हैं। तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल गई, अब हम बात करेंगे एडिटिव इनवर्स के बारे में। तो एडिटिव इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, लेट हमने मान लिया कि एफ जो है इज एन एडिटिव इनवर्स ऑफ टी, ठीक है। तो टी का हमने मान लिया कि एडिटिव इनवर्स क्या है, एफ है। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे कि अगर हमने माना कि बी जो है वो एडिटिव इनवर्स है ए का, तो ए प्लस बी ये क्या आएगा, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर जो एडिटिव आइडेंटिटी है, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो टी प्लस एफ हमारा ये क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर, और जीरो वेक्टर क्या है इसमें, जीरो फंक्शन है। दोनों तरफ अल्फा ले लेंगे तो ये हो जाएगा, अल्फा हमारे कहाँ से होंगे, यू से, यहाँ पे ये जो अल्फा ले रहे हैं ना ये डोमेन का है। तो ये जो है एडिशन हमारा, वेक्टर एडिशन किस तरह से डिफाइन है, ये हो जाएगा टी अल्फा प्लस एफ अल्फा, ये जीरो वेक्टर है, जीरो फंक्शन है। जीरो फंक्शन क्या करता है कि हर एक वैल्यू को जीरो पे भेज देता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा टी अल्फा प्लस एफ अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे टी अल्फा एफ अल्फा हमारे कहाँ से, वेक्टर स्पेस से है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ अल्फा इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे माइनस टी अल्फा। हालांकि इसको हम बोलते इस तरह से नहीं, हम इसको इस तरह से बोलते हैं कि हम इसमें दोनों तरफ जो है वो माइनस टी अल्फा ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे एफ अल्फा क्या आ जाएगा, माइनस का टी अल्फा, और इसको हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू माइनस टी। तो अगर कोई वेक्टर हमने टी लिया तो उसका एडिटिव इनवर्स हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का टी मिल जाएगा, ठीक है। तो इनवर्स मिल गया, आइडेंटिटी मिल गई, एसोसिएटिविटी हो गई। अब लास्ट प्रॉपर्टी होती है ग्रुप की, वो है कम्यूटेटिविटी। तो यहाँ पे हमने T1 और T2 दो वेक्टर ले लिए, होमोमॉर्फिज्म U टू V, और इस पे हमने किस तरह से, जिस तरह से हमारा एडिशन डिफाइन है, T1 प्लस T2 अल्फा, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, T1 अल्फा प्लस T2 अल्फा के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे T1 अल्फा और T2 अल्फा हमारे कहाँ से, V से होंगे, ठीक है। तो V हमारा क्या है, वेक्टर स्पेस है, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन भी होगा। यहाँ पे ये जो प्लस होता है ना, जैसे हमने जब यहाँ पे डिफाइन किया था, तो यहाँ पे ये जो प्लस है ये हमारा इन फंक्शंस के बीच का प्लस है, और यहाँ पे ये जो प्लस है ना ये हमारा ये सेम नहीं है, ये जो प्लस है ये हमारा वेक्टर स्पेस V के ऊपर जो प्लस डिफाइन है वो वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे तो हमने क्या किया, T1 अल्फा प्लस T2 अल्फा लिखा। अब इस चूंकि T1 अल्फा और T2 अल्फा हमारे V के हैं और V हमारा एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन है, तो ये हमारा इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, T2 अल्फा प्लस T1 अल्फा। अब चूंकि हमारा एडिशन डिफाइन है इस तरह से कि यहां से हम यहां जाते हैं तो यहां से यहां भी आ सकते हैं, तो टी टू अल्फा प्लस टी वन अल्फा क्या हो जाएगा, टी टू प्लस टी वन अल्फा, अल्फा से अल्फा अगर हम हटा दें तो यहां पर क्या बचेगा, टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू टी टू प्लस टी वन, ठीक है। तो यहाँ पे ये कम्यूटेटिविटी भी प्रूफ हो गई। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, यहाँ पर चार प्रॉपर्टी हमने प्रूफ की थी, तो उससे इम्प्लाई हो जाएगा कि होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम यू टू वी एडिशन के रिस्पेक्ट में इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो ये तो एडिशन के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टी थी, अब हम स्केलर के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टीज प्रूफ करेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने दो वेक्टर ले लिए, टी वन टी टू कहाँ, होमोमॉर्फिज्म यू टू वी एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा टी वन, चूंकि दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है वेक्टर स्पेस की, कि हमें ए प्लस बी, यहाँ पे ए बी स्केलर है, एक्स हमारा वेक्टर है, तो ये किसके इक्वल आ जाए, ए एक्स प्लस बी एक्स, ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी होती है। तो इसी को हम आज प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा टी वन ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा टी वन एक्स, चूंकि यहाँ पे हमने ये एक्स लिया है, पहले हमने अल्फा लिया था, चूंकि अल्फा हमने स्केलर में ले लिया तो यहाँ पे अल्फा हम नहीं ले सकते। तो अल्फा प्लस बीटा टी वन ये क्या है हमारा, एक्स। अब हमारा जो स्केलर डिफाइन है वो किस तरह से डिफाइन है, अल्फा टी, इस तरह से अगर इस पर हम एक्स लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा टी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा बीटा हमारे कहाँ से हैं, फील्ड से हैं, तो अल्फा प्लस बीटा भी हमारा फील्ड में होगा, तो यहाँ पे हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। इस अल्फा प्लस बीटा को हम अगर एज आ अल्फा कंसीडर करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा टी वन एक्स। और यहाँ पे देखो टी वन एक्स हमारा कहाँ से है, वी से है, वेक्टर स्पेस वी से, और ये हमारे अल्फा बीटा भी हमारे फील्ड से हैं और वेक्टर स्पेस में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा अल्फा टी वन एक्स प्लस बीटा टी वन एक्स, और यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा टी वन एक्स प्लस बीटा टी वन एक्स,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा टी वन इज इक्वल टू अल्फा टी वन प्लस बीटा टी वन। तो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर गई दूसरी वाली। अभी हमने जो है वेक्टर को राइट डिस्ट्रीब्यूटिव किया था, अब हम स्केलर को करेंगे। यानी अब हम कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे, अगर ए हमारा स्केलर है, एक्स वाई जो है दो वेक्टर हैं, तो ये ए एक्स प्लस ए वाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है, यहाँ पे जो एडिशन है ना ये हमारा फील्ड वाला है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी फील्ड के हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एडिशन है ये वेक्टर्स का है। ठीक है, वेक्टर स्पेस में जो वी दे रखा है या फिर जो जो भी वेक्टर स्पेस दे रखा है उसके ऊपर जो एडिशन डिफाइन होगा वो वाला है। तो यहाँ पे एडिशन में फर्क है, लेकिन यहाँ पे ये जो एडिशन है ना ये वेक्टर स्पेस का है और ये भी एडिशन वेक्टर स्पेस का ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अल्फा टी वन प्लस टी टू हमने ले लिया, इसके ऊपर जब हमने एक्स ऑपरेट किया तो यह क्या होगा, ये वाला हम इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अल्फा टी वन प्लस टी टू एक्स, और टी वन प्लस टी टू यानी एडिशन हमारा किस तरह से डिफाइन है, टी वन एक्स प्लस टी टू एक्स, उसके ऊपर चूंकि टी वन एक्स और प्लस टी वन एक्स और टी टू एक्स हमारे कहाँ से होंगे, वेक्टर स्पेस से होंगे, और वेक्टर स्पेस में ये होल्ड करता है, तो हमने इसलिए डायरेक्ट लिख दिया अल्फा टी वन एक्स प्लस अल्फा टी टू एक्स। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से जो हमारा डिफाइन कर रखा है ये चीज़ स्केलर मल्टीपल जो डिफाइन कर रखा है इससे हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा टी वन एक्स प्लस अल्फा टी टू एक्स, और ये क्या हो जाएगा अल्फा टी वन प्लस अल्फा टी टू एक्स, और यहाँ से एक्स से एक्स हटा देंगे तो ये हो जाएगा अल्फा टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू अल्फा टी वन प्लस अल्फा टू टी टू। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। अब हमारी एक और प्रॉपर्टी होती है वेक्टर स्पेस में, चौथी प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं स्केलर एसोसिएटिविटी। चूंकि यहाँ पर यह देखने में एसोसिएटिविटी जैसा लगता है लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जैसे यहाँ पे अगर ए बी दो स्केलर हैं, एक्स हमारा कोई वेक्टर है, तो ये किसके इक्वल होगा, ए बी एक्स के। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे हमने अल्फा बीटा स्केलर ले रखा है, टी वन हमने वेक्टर ले रखा है, होमोमॉर्फिज्म यू टू वी, इसके ऊपर हमने एक्स लिया, स्केलर हमारा किस तरह से डिफाइन होगा, अल्फा बीटा टी वन एक्स। अब यहाँ पे देखो अल्फा बीटा और टी वन एक्स हमारा कहाँ से, वेक्टर स्पेस से, तो वेक्टर स्पेस में तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा डॉट टी वन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, स्केलर डिफाइन है, जिस तरह से हमारा स्केलर जो ये वाला स्केलर जो डिफाइन है अल्फा टी एक्स, इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बीटा टी वन एक्स, और यहाँ से एक्स एक्स हटा देंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा टी वन इज इक्वल टू अल्फा बीटा टी वन। अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, वन डॉट टी वन इज इक्वल टू टी वन। ये प्रॉपर्टी हम जब भी वेक्टर स्पेस हमने प्रूफ किया है तो हमने बताया कि ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखने में ये थोड़ा सा आसान लगती है मगर ऐसा होता नहीं है। जब भी अगर फील्ड कोई हमारी इस तरह की दे रखी हो, फाइनाइट फील्ड दे रखी हो जेड पी टाइप की, तब जरूर ये चीज चेक करना कि यहाँ पे वन डॉट टी वन जो है वो वन डॉट एक्स, या फिर वहां पर एक्स हम लेंगे ना, तो वन डॉट एक्स जो है वो एक्स के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब भी अगर इस तरह की कोई फील्ड ली जाए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए अगर फील्ड लें एक 0 2 4 6 8, ठीक है, मॉडुलो 10। अब यहाँ पे अगर हम वन की बात करें तो यहाँ पे वन जो है वो 6 आएगा। फील्ड में वन का मतलब क्या होता है, वन का मतलब होता है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव बता रहा हूँ मैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी थी उसको हम वन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी जो है वो 6 होगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है कि ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादातर फाइनाइट फील्ड अगर दे रखी हो तो ज़रूर चेक करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ फाइनाइट फील्ड के लिए है। लेकिन यहाँ पे जैसे एक हमने वेक्टर स्पेस प्रूफ किया था ए बी सी डी, जहाँ पे ए बी सी डी जो है वो बिलोंग करते हैं रियल में। ठीक है, और हमने फील्ड ली थी ए ए ए ए सच दैट ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये हमने फील्ड ली थी और ये हमारा वेक्टर स्पेस था। तो ये जब हम इसके ऊपर वेक्टर स्पेस बना रहे होते हैं ना, तो सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है लेकिन सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी फेल कर जाता है। यहाँ तक की वेक्टर स्पेस की, यानी यहाँ फोर्थ प्रॉपर्टी है ना, यहाँ तक की सारी जो है वो सेटिस्फाई करेगा
और फेल कहाँ करता है, सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी पे। तो ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, देखने में ये ऑब्वियस सी लगती है। तो यहाँ पे 1.t1x हमने लिया, यहाँ पे ये क्या है, 1 जो है वो फील्ड से, तो इसको हम एज एक्स स्केलर कंसिडर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1.t1x। t1x हमारा कहाँ से, वेक्टर स्पेस से, और वेक्टर स्पेस में होता है कि 1.x इज इक्वल्स टू x। तो ये हो जाएगा 1.t1x इज इक्वल्स टू t1x। तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा, 1.t1 इज इक्वल्स टू t1। आसान सा है लेकिन ये जरूर चेक करना पड़ता है। तो यहाँ से क्या इंप्लाई होता है कि होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम u टू v या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम u टू v इज अ वेक्टर स्पेस। तो कलेक्शन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो वेक्टर स्पेस बना लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।